आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बल्केश्वर स्थित बल्केश्वर कुंज पार्क में श्री राम सेवा समिति के बैनर तले शनिवार से सामूहिक एकादशी उद्यापन अनुष्ठान शुरू हो गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में 55 जोड़ों ने एकादशी मैया का संकल्प लेकर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की। श्री राम सेवा समिति द्वारा तृतीय एकादशी उद्यापन का आयोजन श्री राम सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है और गत वर्षों की भांति ही इस बार भी कार्यक्रम है श्री राम सेवा समिति द्वारा, जिसमें लगभग 52 जोड़ों ने भाग लिया है। और आज का जो कार्यक्रम था 12 तारीख का, उसमें हमारे सारे यजमान थे। उसमें हमारी सुबह से पूजा, क्या नाम है, पूजा हुई। पूजा के बाद फिर हमारी एकादशी की कथा हुई। कथा के बाद हमारा फिर कार्यक्रम लगा, क्या नाम है, आरती हुई। आरती के बाद यजमानों के ब्राह्मण भोज हुए। अब यजमानों को भोजन कराए जा रहे हैं और यही उम्मीद करता हूँ श्रीराम सेवा समिति से ऐसे कार्य कराती रहे और ऐसे ही आगे श्रीराम सेवा समिति बढ़ती रहे। तृतीय एकादशी उद्यापन का ये जो कार्यक्रम 52 जोड़ों द्वारा संपन्न हो रहा है, सुबह पूजा और कथा का कार्यक्रम, उसके बाद ब्राह्मण भोज और अब यजमान लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा समाज से कि जिस तरीके के कार्य श्रीराम सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसे ही धर्म पुण्य के कार्यों में आगे रहें और इस शहर को, इस देश को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। आज एकादशी उद्यापन में 55 जोड़ों ने भाग लिया है और बहुत अपार श्रद्धा के साथ कथा शुरू हो चुकी है। आज शाम को 5 बजे खाटू श्याम भजन संध्या भी है, प्रसादी चल रही है फलाहार की। कल सुबह 9 बजे से हवन होगा, 12 बजे प्रसादी रहेगी।